ये दीवार है, ये दीवार है, दोनों क्या हैं, क्या हैं, स्मूथ, दोनों क्या हैं, स्मूथ। यहां पर एक रॉड ली ऐसे, रॉड का मास m है और लेंथ l है, और नीचे वाले एंड को हल्का सा टच करके छोड़ दिया। टच मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही मानो, बस हल्का सा खिसका दिया, और वो खिसक जाएगी ना तो गिरेगा। वो रॉड कैसे गिरेगी, वो ऐसे गिरेगी, पहले वो ऐसे थी, फिर वो ऐसे जाएगी, फिर वो ऐसे जाएगी। Does that make sense? धाड़, got it? क्या मैं कह सकता हूं कि ये जनरल रिजिड बॉडी मोशन है? FAOR तो है नहीं, कहीं हिंज तो है नहीं। इसका मतलब क्या बोलते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास भी चल रहा है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट पे जब वो यहां पहुंच गई, मान लो ये एंगल मान लेते हैं थीटा, मान लो ये एंगल मान लेते हैं थीटा, तो एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, फाइंड फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड ऑल्सो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, ऑल्सो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा पे डिपेंडेंट कि किसी एंगल 30 डिग्री पे या 60 डिग्री पे कितना हो गया। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब ये यहां पहुंचेगी तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा। डज दैट मेक सेंस? हाँ, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक्स में भी चलेगा और वाई में भी चलेगा, और फील आ रही है मुझे कि एंगुलर वेलोसिटी ऐसी होगी, डायरेक्शन ऐसे गिर रही है ना। सेंटर बैठ के देखो, सेंटर बैठ के देखोगे तो ऐसे ही घूमता हुआ लगेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब एक इक्वेशन तो बना दोगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कहोगे लॉस इन जीपी, लॉस इन जीपी कितना होगा, पहले हमारा सेंटर ऑफ मास था हाइट एल बाई टू पे, अब हमारा सेंटर ऑफ मास है हाइट एल बाई टू साइन थीटा पे, तो हम कहेंगे एम जी एल बाई टू वन माइनस साइन थीटा इज गेन इन ट्रांसलेशनल के That is half m VCM square. Can I say VCM square is VX square plus VY square के under the root का square plus half ICM, ICM हो जाएगा ML square by 12 omega square. यहां से एक equation आ गई। Problem कहां पर है? तीन unknown है। तीन क्या क्या unknown है? VX, VY and omega, VX, VY and omega, VX, VY and omega. तो अगर मुझे VX, VY और omega चाहिए तो मुझे दो और रिलेशन चाहिए, क्योंकि एक इक्वेशन तो यहां से आ गई। तो या तो मैं VX को omega के टर्म्स में निकाल लूं या मैं VY को omega के टर्म्स में निकाल लूं, तो फिर मैं क्या करूंगा, Vx को ओमेगा के टर्म्स में डालूंगा तो यहां पे डाल दूंगा, Vy को ओमेगा के टर्म्स में डालूंगा तो यहां पे डाल दूंगा, और उसके बाद फिर एज अ फंक्शन ऑफ थीटा क्या निकल जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगी, उसके बाद Vx और Vy भी निकल जाएगा। अब वो कैसे निकाला जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये रॉड यहां पहुंची, जब ये रॉड यहां पहुंची, इसका हमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माना है Vx, इधर माना है VY, ये एंगल माना है थीटा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जमीन पे कोई पॉइंट ढूंढ लो जिसका कोऑर्डिनेट मैं ओरिजिन मान लूं, ऐसा पॉइंट होना चाहिए जमीन वाला पॉइंट जो खुद ना चल रहा हो, मतलब इसको ओरिजिन मत मानो, क्योंकि इसको ओरिजिन मानोगे तो तुम इसके रेस्पेक्ट में अगर कोऑर्डिनेट्स लिखते हो और पॉइंट्स के, तो वो और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ दोस कोऑर्डिनेट्स विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट के हिसाब से अगर कोऑर्डिनेट्स लिखना चालू करूं तो क्या आ जाएगा,
औरों की वेलोसिटी आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ये खुद चल रहा है, ये वाला खुद चल रहा है, तो ऐसा पॉइंट जमीन पे उठाओ जो रेस्ट पे हो। ऑब्वियसली दिख रहा है कि इसको ओरिजिन मान लो, इसको ओरिजिन मान लोगे तो क्या मैं कह सकता हूं इस वाले पॉइंट, इस पॉइंट को ए बोल दें, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एल कॉस थीटा कॉमा जीरो, और ये कितना हो जाएगा, जीरो कॉमा एल साइन थीटा, और सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एल बाय टू कॉस थीटा कॉमा एल बाय टू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा एल बाय टू कॉस थीटा कॉमा एल बाय टू साइन थीटा, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो गया। अब अगर मैं ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो गया सेंटर ऑफ मास का, तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डीएक्स बाई डी टी, डीएक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट, डीवाई बाई डी टी वो क्या हो जाएगा वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट। सो कैन आई से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वेक्टर फॉर्म वुड बी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं टाइम, तो ये हो जाएगा एल बाई टू। अब कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है तो यहां पे चेन रूल लगा दो, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कॉस का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो एल बाई टू माइनस साइन थीटा इन टू डी थीटा बाई डी टी आई कै प्लस एल बाई टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी जे कैप। ये समझ में नहीं आया हो तो आई विल रिपीट, एनीबडी आ गया, वो अपने आप एडजस्ट होएगा, पता है कैसे एडजस्ट होएगा, तुमने ये एंगल थीटा लिया है और तुमने एंगुलर वेलोसिटी ऐसे लिया है, कैन आई से एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द एंगल। अब तुम्हें ये समझ में नहीं आया, ये तो ऐसे सोचो ना कि भाई ये x इक्वल टू जीरो है, ये लोकेशन x है, और वेलोसिटी अगर इधर लिखूंगा तो v को क्या लिखूंगा प्लस dx बाई dt, और वेलोसिटी अगर इधर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ x तो माइनस dx बाई dt। अब तुम ऐसे कहो कि भाई ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला रॉड है, ऐसे लगा दिया, ये एंगल थीटा है और एंगुलर वेलोसिटी ऐसे है, तो ओमेगा को क्या लिखोगे माइनस डी थीटा बाई डी टी। अब अगर तुम एंगुलर वेलोसिटी ऐसे लेते तो ओमेगा को क्या बोलते प्लस डी थीटा बाई डी टी। तो इस लॉजिक के बेसिस पे मैं ये कहूंगा डी थीटा बाई डी टी को क्या लिखूंगा माइनस ओमेगा, और यहां पर भी क्या लिखूंगा माइनस ओमेगा, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सही हो गया, क्योंकि वी एक्स तो हो गया माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव ही हो गया, तो टेक्निकली तुम्हारा वी एक्स हो गया एल बाय टू ओमेगा साइन थीटा, और वी वाई हो गया वी वाई माइनस वी वाई जे कैप है ना, तो वी वाई कितना हो गया एल बाय टू ओमेगा कॉस थीटा, क्योंकि दिस इज लाइक वी एक्स आई कैप माइनस वी वाई जे कैप, वी एक्स आई कैप माइनस वी वाई जे कैप। तो जो हमारी फील थी कि x में इधर जा रहा है और y में नीचे जा रहा है वो भी गलत नहीं थी, सही थी वो फील, गॉट इट और नॉट, मेरे ख्याल से अब सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व हो चुका है, वी एक्स स्क्वेयर को लिख देना, वी एक्स स्क्वेयर को लिख देना एल बाई टू ओमेगा साइन थीटा का स्क्वेयर, और वी वाई को लिख देना एल बाई टू ओमेगा कॉस थीटा का स्क्वेयर, और साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा हो जाएगा वन, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा राइट हैंड साइड हाफ एम एल स्क्वेयर बाय फोर ओमेगा स्क्वेयर प्लस हाफ
ml square by 12, omega square is mgl by 2, 1 minus sin theta. क्या मैं कह सकता हूं omega as a function of theta आ गया यहां से omega as a function of theta आ गया, जो कि tough नहीं है, तो बहुत आसान सा बनेगा. ये बनेगा half ml square by 3 omega square. Got it? तो यहां से तो omega as a function of theta आ गया. जब omega as a function of theta हो गया, यहां पे डाल दोगे तो vx as a function of theta आ गया, और यहां पे डाल दोगे तो vy as a function of theta आ गया. समझ में भी आया है? मैं लग रहा था क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नहीं हुआ, क्वेश्चन अभी नहीं हुआ, मुझे कुछ और भी समझाना है. क्वेश्चन ये भी बन सकता था, क्वेश्चन ये भी बन सकता था, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ सेंटर ऑफ मास. व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ सेंटर ऑफ मास. वो सोच रही है ऐसे कुछ फील आ रही है ऐसा. मैंने कहा देखो जरा, सेंटर ऑफ मास के तुमने कोऑर्डिनेट ये लिखे हैं, इसको लिख दो xcm, इसको लिख दो ycm. दिस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड दीज कोऑर्डिनेट्स आर रिटन इन पैरामेट्रिक फॉर्म. पैरामीटर इज थीटा, एलिमिनेट द थीटा. हाउ कैन यू एलिमिनेट द थीटा? तुम कह रहे हो ना xcm कितना है, xcm है L by 2 cos theta. Theta eliminate हो जाएगा. क्या मैं कह सकता हूं xcm का square plus ycm का square is L by 2 का square. ये क्या चीज है? Equation of circle centered at origin. तो पता है सेंटर ऑफ मास सर्कल में जा रहा है, ऐसे सर्कल में. वैसे जाएगा. तुम्हें कर्वेचर गलत फील हो रहा था? जाता होगा भाई, मैथमेटिक्स तो यही कह रहा है. ऐसे था और ये इक्वेशन आ रही है. रॉड ऐसे थी पहले, रॉड ऐसे थी, रॉड का मिड पॉइंट यहां पे था, तो वो रॉड जब ऐसे गई होगी थोड़ी तो मिड पॉइंट यहां पहुंचा होगा. जब वो रॉड ऐसे गई होगी थोड़ी मतलब वो मिड पॉइंट यहां पे चलेगा, और जब वो जाएगी तो यहां पे गिर जाएगी. थोड़ी देर पहले उसकी हालत ये रही होगी कि वो सेंटर ऑफ मास यहां पर है, उससे पहले उसकी हालत ये रही होगी कि सेंटर ऑफ मास यहां पर है. तुम्हें कुछ ऐसी फील आ रही थी कि भाई कर्वेचर शायद इस टाइप का हो, मतलब कम ऑन, इक्वेशन इज सेइंग कि xcm स्क्वायर प्लस ycm स्क्वायर इज l बाय 2 का स्क्वायर, रेडियस ऑफ l बाय 2, सेंटर्ड एट ओरिजिन. समझ में आ गया यहां तक? अभी भी खत्म नहीं हुआ है ये क्वेश्चन, अभी भी खत्म नहीं हुआ है. और क्या पूछ सकते हैं? हमने क्या क्या निकाल लिया था? हमने निकाला था एंगुलर वेलोसिटी, हमने निकाला था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्स कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का वाई कंपोनेंट. उन्होंने पूछा क्वेश्चन वाले ने, मान लो ए पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, ए पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, कैन आई से वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इज, इसके कोऑर्डिनेट्स को डिफरेंशिएट कर दो, ये कितना हो जाएगा, L cos का हो जाएगा माइनस साइन डी थीटा बाय डी टी को लिख दोगे माइनस ओमेगा आई कैप प्लस जीरो जे कैप. डू यू रियलाइज दिस इज टू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. यार होना भी चाहिए, क्यों होना भी चाहिए? सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट था L by 2 cos theta, इसका कोऑर्डिनेट उस वाले कोऑर्डिनेट का डबल है, उसका डिफरेंशिएशन भी डबल ही होगा,
तो जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्स कंपोनेंट होगा, इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, उसका डबल। देखना इसका टू वाई कैप आ जाएगा नीचे, मतलब ये जा रहा होगा टू वी एक्स से और ये जा रहा होगा टू वी वाई से। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, इसको बी बोल दो, तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, जीरो आई प्लस एल कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी माइनस ओमेगा जे कैप। वी वाई कितना था, एल बाई टू ओमेगा कॉस थीटा, और ये कितना हो गया, एल ओमे माइनस एल एल ओमेगा कॉस थीटा, दैट इज टू वी वाई माइनस टू वी वाई जे कैप। कह रहा था डबल आएगा भाई, वेलोसिटी ऑफ जो सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट था, इसका वाई कोऑर्डिनेट उसका डबल था, तो जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास थी हमारी वी वाई नीचे, इसकी टू वी वाई होगी या नहीं होगी, गॉट इट। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन इज स्टिल गोइंग ऑन। देखो कभी क्वेश्चन ऐसा पेपर में नहीं आएगा, कैसा आएगा, इसका पार्ट आएगा उठ के, पार्ट तो उठ के आराम से आ सकता है। कैसे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्स कंपोनेंट है 2 मीटर पर सेकंड, इधर है 3 मीटर पर सेकंड, इसका कितना हो गया, इधर 2 था 2 का हो गया 4 और इधर 3 था 3 का हो गया 6। बेसिक फंडा तो यही लगा, और ये चीज क्या करी है, सच्चाई बात सच्ची बात करी है, तो ये कंस्ट्रेंट किया हमने, कोऑर्डिनेट्स लिख के डिफरेंशिएट करना, कंस्ट्रेंट्स में ही तो करते थे हम, जब न्यूटन लॉस कर रहे थे डिफरेंशिएट मारते थे फिर डिफरेंशिएट मारते थे, यू आर रिमेंबरिंग दैट थिंग। हाँ तो वही काम तो कर रहे हैं हम यहां पे भी। अच्छा अगर देखा जाए, ये रॉड थी, ये एंगल थीटा है, जिसका वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट था वी एक्स, वाई कंपोनेंट था वी वाई, ऐसे था ओमेगा। मैंने वी एक्स वी वाई और ओमेगा में रिलेशन कैसे निकाला था, याद करेंगे इसको घर पे जाके कम से कम 3 बार लिखना, जैसे तुम्हें प्रोसीजर रटा जाए, क्योंकि प्रोसीजर क्या था, कोऑर्डिनेट लो, उसके कोऑर्डिनेट लिख दो, इसके कोऑर्डिनेट लिख दो, हाँ या ना, इसके कोऑर्डिनेट लिख के सेंटर ऑफ मास के उनको डिफरेंशिएट कर दो, तो उससे आ जाएगा l by 2 minus sin theta into minus omega i cap, l by 2 cos theta into minus omega j cap, तो vx आ गया l by 2 omega sin theta, vy आ गया l by 2 omega cos theta, that's one way of doing it। Another way of doing it is, ऐसे सोचो, इस point का velocity general rigid body motion से कितना होगा, हम कह सकते हैं vx होगा, vy होगा, हाँ, क्योंकि जीआरबीएम में यही करते थे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लेते थे। ओमेगा ऐसे लिया है, तो ओमेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट से घुमा के देखूंगा तो ऐसे आएगा, कितना, एल बाय टू ओमेगा 90 डिग्री पे। अब मैं सोचूंगा, मैं ये कहूंगा जो ये पॉइंट है, इसके यहां पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट मान लो, एक अलोंग द प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, अलाइन मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, अलाइन परपेंडिकुलर टू दैट मेक्स थीटा विद वर्टिकल। बेटा सो लो, समझ में आया ये, एल बाय टू ओमेगा और एट एंगल थीटा हो गया। क्या मैं ये कह सकता हूं इस पॉइंट की वेलोसिटी इन ग्रीन वाली वेलोसिटीज का वेक्टर सम है, इन 3 वेलोसिटीज का, लेकिन मुझे ये भी पता है ये पॉइंट सिर्फ इस प्लेन के अलोंग चलेगा, तो इसका मतलब वाई कॉम्पोनेंट कट जाने चाहिए, y कंपोनेंट कट जाने चाहिए, तो y कंपोनेंट अगर कट जाने चाहिए तो इसका मतलब l by 2 ओमेगा cos थीटा शुड बी vy, दैट्स व्हाट वी गॉट। भाई तुमने इसका vx लिया, vy लिया और एंगुलर वेलोसिटी ऐसे ओमेगा ली थी, अब ये बताओ इसकी वेलोसिटी कैसे लिखनी चाहिए। जनरल रिजिड बॉडी मोशन का बेसिक फंडा क्या कहता था, प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन। प्योर ट्रांसलेशन के बेसिस पे कह दिया इधर होना चाहिए vx, इधर होना चाहिए vy,
और सेंटर पे अगर हिंज मान के ऐसे घुमाएं ओमेगा से, तो ऐसे हो जाना चाहिए एल बाई टू ओमेगा आर ओमेगा। फिर मैंने कहा कि यहां पर दो एक्सिस ले लो, यही दो एक्सिस क्यों ली, मैंने कहा अलोंग द प्लेन इसकी वेलोसिटी एक्चुअली में होनी चाहिए, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाले कॉम्पोनेंट्स क्या हो जाने चाहिए, कट जाने चाहिए। ये भी तो कंस्ट्रेंट ही है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन कॉन्टेक्ट विद अ प्लेन इट्स वेलोसिटी शुड बी अलोंग द प्लेन, तो उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्लेन नेट कितनी होनी चाहिए, जीरो। तो इसका मतलब एल बाई टू ओमेगा कॉस थीटा और वी वाई क्या हो जाने चाहिए, कट जाने चाहिए, शुड बी सेम एज वी वाई। और उसका एक्स कॉम्पोनेंट कितना होना चाहिए, सोच के, वी एक्स प्लस एल बाई टू ओमेगा साइन थीटा। अभी हमने प्रूव नहीं किया है, एल बाई टू ओमेगा साइन थीटा वी एक्स ही था। मैंने कहा रुको, अब इस पॉइंट को देखते हैं बेटा, इधर देखो, इधर कितना होगा, इसको देख के, इसको देख के, इधर हो जाएगा वी वाई, इधर हो जाएगा वी एक्स, ऐसे ओमेगा है तो रॉड के परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा एल बाई टू ओमेगा, अलाइन मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल लाइन परपेंडिकुलर टू दैट मेक्स थीटा विद वर्टिकल। अब मैं कहूंगा यार ये वाला पॉइंट दीवार के अंदर थोड़ी घुसेगा, तो इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी दीवार के परपेंडिकुलर जीरो हो जानी चाहिए, ये वाला कंपोनेंट कट जाना चाहिए। तो उससे मैंने कह दिया वी एक्स शुड बी एल बाई टू ओमेगा साइन थीटा। अब मैंने ये कह दिया वी एक्स इज एल बाई टू ओमेगा, क्योंकि इसका ये वाला कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कट गए, और इधर कितनी हो गई वेलोसिटी वी वाई प्लस एल बाई टू ओमेगा कॉस थीटा, और वी वाई वॉज एल बाई टू ओमेगा कॉस थीटा, तो नेट की तरह क्या हो गई नीचे की तरफ टू वी वाई। भाई तो आ रहा था इसकी टू वी वाई तो आ रही थी नीचे, और मैंने यहां पे प्रूव कर दिया vx is l by 2 omega sin theta, यहां पे इसकी कितनी आ रही थी vx plus l by 2 omega sin theta, तो वो कितनी हो गई 2vx। मैंने एक और हथियार दिया है तुम्हें, पता चला वो हथियार बैकफायर किया और तुम्हें मर गए, आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया। बोलो बोलो क्या दिक्कत है, टू वी एक्स कैसे किया, मैंने कहा भाई इसको रिजोल्व किया था तो इधर की तरफ कितना था एल बाई टू ओमेगा साइन थीटा, और इधर वी एक्स भी था, तो इन दोनों का एडिशन नेट वेलोसिटी हो जाएगी ना, और मैंने अभी प्रूव कर दिया वी एक्स इज एल बाई टू ओमेगा साइन थीटा, तो कितना हो गया टू वी एक्स, ऐसे था। इधर देख लो फिर से सब, ये रॉड थी, इधर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी एक्स थी, वी वाई थी, ओमेगा था, ये थीटा था, इसका इधर हो गया वी एक्स, इधर हो गया वी वाई, इधर हो गया एल बाई टू ओमेगा, ठीक है। फिर मैंने कहा, और ये 90 डिग्री होगा, फिर मैंने कहा दो एक्सिस चूज करी, ये वाला एंगल थीटा होगा, इधर हो जाएगा एल बाई टू ओमेगा साइन थीटा, इधर हो जाएगा एल बाई टू ओमेगा कॉस थीटा, इधर हो गया वी एक्स वी वाई, इधर हो गया एल बाई टू ओमेगा, ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा एल बाई टू ओमेगा साइन थीटा, एल बाई टू ओमेगा कॉस थीटा। फिर मैंने ये कहा कि इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी प्लेन के अलोंग होनी चाहिए, तो ये कट जाए, तो वी वाई आ गया एल बाई टू ओमेगा कॉस थीटा, और मैंने कहा इसकी भी नेट वेलोसिटी प्लेन के अलोंग होनी चाहिए, तो ये कट जाए, तो वी एक्स आ गया एल बाई टू ओमेगा साइन थीटा। फिर मैंने कहा कि यहां पर कितना था एल बाई टू ओमेगा साइन थीटा और वी एक्स का सम, तो ये आ गया टू वी एक्स, और यहां पे हो जाएगा वी वाई प्लस एल बाई टू ओमेगा कॉस थीटा, एल बाई टू ओमेगा कॉस थीटा वी वाई के बराबर था, तो यहां पर हो गया टू वी वाई। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, गॉट इट, पक्का गाइस। अच्छा मान लो कभी क्वेश्चन आया, ये जमीन है, ये रॉड है,
और ये एक और रॉड है, इसका लेंथ भी L है, इसका लेंथ भी L है, इसका मतलब ऑब्वियसली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल थीटा सेम ही होंगे. गॉट इट? इसको जमीन पे हिंज कर दिया गया, यहां पर हिंज कर दिया गया, ये नहीं मूव करेगा, ये मूव नहीं करेगा. गॉट इट? समझ में आया क्या किया है भाई? एक रॉड को तो जमीन पे हिंज कर दिया और दूसरी रॉड है इसका ये वाला एंड नहीं मूव करेगा, यहां पे हिंज्ड है. ये थीटा है, ये थीटा है, ये एल है, ये एल है. इसको वी नॉट से दौड़ा दिया, इसको वी नॉट से दौड़ा दिया, इसको वी नॉट से दौड़ा दिया. क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, वहां पे भी हिंज है, वो फ्री हिंज है. फ्री हिंज मतलब समझ आया, तो वो फ्लेक्सिबल, हाँ फ्लेक्सिबल सा है, तो ए वाला पॉइंट चलेगा ना. क्वेश्चन क्या है? फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इन द गिवन टर्म्स, इन द गिवन टर्म्स. ही इज लाइक, क्या हो गया, कर क्या रहे हैं हम और क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं सर्कल में जाएगा, आई एग्री मैन, मतलब ये सर्कल में जाएगा, ये सर्कल में जाएगा ऑफ रेडियस एल, क्योंकि यहां पे तो हिंज है. मैंने कहा जहां पे हिंज है ना उसके उसके कोऑर्डिनेट्स उठा लो ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 2l cos थीटा कॉमा 0, 2l cos थीटा कॉमा 0. अब इसके कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं l cos थीटा कॉमा l sin थीटा. इस पॉइंट को ए बोल दिया, इस पॉइंट को बी बोल दिया. कैन आई से 2l cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी आई कैप इज वी नॉट आई कैप. ये कैसे लिखा मैंने? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी से लिखा है, डिफरेंशिएट कर दिया कोऑर्डिनेट को 2l माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी थीटी डी टी, चेन रूल लगा के आई कैप इज वी नॉट आई कैप. अब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए क्या होगा? फिर से डिफरेंशिएट कर दो, एल माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस एल, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया है, इंटू डी थीटा बाई डी टी जे कैप. गॉट इट? करना क्या था? इस आंसर को वी नॉट के टर्म्स में लिखना है. तो मैंने कहा ये तो हो गया v नॉट by 2 i cap, v नॉट by 2 i cap, ये तो पूरा ही ऐसे हो गया ना सीधा. गॉट इट? और फिर यहां पे क्या करूं, यहां पे लिख दो l cos थीटा और d थीटा by dt कितना हो जाएगा, d थीटा by dt कितना हो जाएगा, माइनस 2l sin थीटा इंटू d थीटा by dt इज v नॉट. So, d theta by dt हो जाएगा माइनस v नॉट बाई 2l sin theta. तो ये हो जाएगा माइनस v नॉट बाई 2l sin theta j cap. l भी कट जाएगा, ये आ जाएगा v नॉट बाई 2 i cap माइनस v नॉट बाई 2 cot theta j cap. That's velocity of point A. Done. Tough था?